हेलो गाइस, तो फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहाज किचन में। और आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ डिज्नीलैंड। तो ये मेरे पेरिस के व्लॉग का सेकंड पार्ट है, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना भी ना भूलिएगा। तो पेरिस से डिज्नीलैंड कैसे जाया जाता है और डिज्नीलैंड में कौन कौन सी राइड्स हैं जो आप मिस करना नहीं चाहेंगे, ये जानने के लिए आप ये व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। पेरिस से डिज्नीलैंड आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको टिकट मशीन से डिज्नीलैंड के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। तो अप एंड डाउन की टिकट्स आपको 10 यूरोज में पड़ेंगी, तो डिपेंड करता है आप पेरिस के किस हिस्से से डिज्नीलैंड जा रहे हैं। और रिटर्न की टिकट आप डिज्नीलैंड स्टेशन से ही ले लीजिएगा ताकि आपको रात में लेट ना हो। तो स्टेशन से निकलते ही है डिज्नीलैंड, तो ये है डिज्नीलैंड पार्क और इसके एक साइड में है डिज्नीलैंड का स्टूडियो पार्क। तो अगर आपके पास बजट है और आपके पास समय भी है तो आप दोनों पार्क की टिकट ले सकते हैं। पर अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप डिज्नीलैंड पार्क पहले आए। डिज्नीलैंड पार्क छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ आने के पहले आपको क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप डिज्नीलैंड पेरिस का ऐप डाउनलोड कर लें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि डिज्नीलैंड में कब कब कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं। जैसे यहाँ डिज्नी की परेड बहुत ही सुंदर होती है। तो दोनों पार्क की ओपनिंग टाइमिंग तो सेम है बट क्लोजिंग टाइम डिफरेंट है, तो आप ये बात का याद रखिएगा। और सारे राइड्स घूमने के लिए आपके पास मैप होना बहुत ही जरूरी है, तो या तो आप मैप का सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आपको मैप मिल जाएगा। तो हमने तो डिज्नीलैंड की टिकट ऑनलाइन पहले से ही बुक कर ली थी ताकि हमें कोई भी क्यू में खड़ा ना होना पड़े। और हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे कि हम यहाँ पर डिज्नी के सारे कैरेक्टर देख सकते हैं, तो यहाँ छोटे नहीं बड़े भी बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो चलते रहिए मेरे साथ और देखते हैं अंदर डिज्नीलैंड कैसा था। तो टिकट्स का आप पेपर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं। तो डिज्नीलैंड अगर आप वीक डेज में अर्ली मॉर्निंग आ जाए 9:30 या 10 o'clock, तो आप ये दोनों पार्क कवर कर सकते हैं। तो ये जो डिज्नीलैंड पार्क है इसके स्टार्टिंग में ही आपको एक छोटा सा ट्रेन स्टेशन दिखेगा, तो इस ट्रेन से आप पूरा डिज्नी पार्क पहले घूम सकते हैं ताकि आप देख लें कि कहाँ पर कौन कौन सी राइड है। तो स्टेशन में वेट करते वक्त हमें दिखा कि यहाँ डिज्नीलैंड का परेड चल रहा है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप डिज्नीलैंड पेरिस का ऐप डाउनलोड कर लें तो आपको ये सारे प्रोग्राम का टाइम टेबल मिल जाएगा। तो ये जो परेड है ये काफ़ी बार रिपीट होता है। तो ट्रेन से हम चल पड़े हैं पूरा डिज्नीलैंड घूमने के लिए। तो अगर आप डिज्नीलैंड स्प्रिंग में आ रहे हैं तो भी आप अपने साथ जैकेट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ दिन में तो नहीं इवनिंग में काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। तो ट्रेन से और मैप से हमने देखा कि यहाँ बड़ों के लिए बहुत ही अच्छी राइड्स हैं, तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं क्योंकि उस राइड्स में बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से राइड्स हैं जो बड़े कर सकते हैं। एक एक फोटो लेना। तो सबसे पहले हमने सोचा कि बिग थंडर माउंटेन राइड करते हैं। तो यहाँ बच्चों की जो हाइट लिमिट है वो है 1 meter। तो सबसे ज्यादा जो वेटिंग टाइम किसी राइड की है तो वो इसी राइड की है। जब हम गए तो यहाँ ये 45 मिनट्स वेटिंग टाइम था। तो आप ये राइड बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, हमें ये इतनी अच्छी लगी कि हम इसे 2 times गए। और उसकी बारी आती है इंडियाना जोन्स की ये राइड की। तो ये राइड जो है वो बहुत ज्यादा स्कैरी है और यहाँ जो बच्चों की हाइट लिमिट है वो थोड़ी 1 meter से ज्यादा है, तो मेरा जो बच्चा है वो इस राइड में नहीं आ पाया। अच्छा, इसके पास ही आप लायन किंग का लाइव शो भी देख सकते हैं, बट इसकी टिकट आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी जो कि है 15 pounds पर हेड। और उसके बाद हम घूमते घूमते चले गए पायरेट्स ऑफ कैरिबियन एंड बीच में। और घूमते हुए मुझे मेरे बचपन का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर मिल गया और जो था अलादीन। और इस बार हमें डिज्नीलैंड का जो परेड था वो देखने को भी मिला और हमने इसे बहुत एंजॉय किया। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे।
और उसके बाद जो एक राइड थी जो मुझे बहुत ही स्कैरी लगी वो थी स्टार वॉर की। ये जो राइट साइड में दिख रहा है ये छोटे बच्चों की राइड से 2 से 3 साल के बच्चों के लिए, तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ पर आकर राइड्स जरूर चेक करिएगा। और थोड़े बड़े बच्चों के लिए ये वाली राइड्स भी बहुत ही अच्छी है। और छोटे और बड़ों के लिए ये जो लेजर ब्लास्ट था वो बहुत ही मस्त था, मैंने तो बच्चों से ज्यादा यहाँ पर इंजॉय किया। तो यहाँ पर आपको लेजर गन दिया जाता है और आपको कोई कोई टारगेट होता है जिसे हीट करना होता है जिससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और यहाँ स्टार वॉर का 5D शो भी है जो आप बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। तो घूमते घूमते एक और परेड का टाइम हो चुका था और इस बार इसका थीम था फ्रोजन मूवी का, तो इसमें हम लोग थोड़े से लेट हो चुके थे पर हमको एटलीस्ट थोड़ा सा ये परेड देखने को मिला। और उसकी बारी थी हमारी स्लीपिंग ब्यूटी कैसल में जाने की, तो ये कैसल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये पार्क के सेंटर में है और जो रात में इसका लाइट शो होता है वो भी इसी कैसल के ऊपर होता है। तो ये कैसल के अंदर जाने के बाद हमें और भी राइड्स देखने को मिलेगी, तो चलिए देखते हैं अब कौन से राइड की बारी है। डिज्नीलैंड में बहुत सारी राइड्स हैं बट मैं आपको वो राइड्स बता रही हूँ जो हमने किया। तो अंदर हमें मिला स्टोरी बुक लैंड कैनल बोट राइड। तो ये जो बोट है ये ऑटोमेटिक बोट है, आपको कोई चलाने की जरूरत नहीं है। और ये पूरा बेस है डिज्नी मूवीज जो आप देखते होंगे उसके ऊपर, तो आपको लगेगा कि आप खुद ही मूवी के कोई कैरेक्टर हैं और ये इतना सुंदर इसे बनाया गया है। तो बोट राइड के साइड में ही था ट्रेन, तो ये जो ट्रेन है ये पार्क का जो एंडिंग है वो सारा पोर्शन आपको एक राउंड ट्रिप में घुमाएगी, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिएगा कि ट्रेन कैसे जा रही है और इसमें बहुत सारे लेफ्ट एंड राइट टर्न हैं जो आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और आई थिंक टी कप राइड तो आपने कहीं ना कहीं तो जरूर किया होगा, तो बच्चों की जिद के कारण हम भी ये राइड कर लिए। तो आपको यहाँ बीन स्टॉक का बहुत ही बड़ा बीन भी देखने को मिलेगा। अच्छा, मेरा बच्चा जो है वो आर्केड सुनकर ही बहुत एक्साइटेड था बट हम वहाँ गए तो ये आर्केड वो आर्केड नहीं था जो होता है, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मार्केट था। तो डिज्नीलैंड में ऑलमोस्ट सारे राइड्स करने के बाद हम यहाँ वेट कर रहे थे फायरवर्क्स एंड ड्रोन शो की, जो कि होता है रात को 11 o'clock। तो अगर आपको फायरवर्क्स और ड्रोन शो का मजा लेना है तो आपको नाइट 11 o'clock तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ही रेस्टोरेंट होते हैं जो इतने रात तक खुले होते हैं बट आपको कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिल जाएगा। और ये जो शो है ये 11:30-11:45 तक चलता है, तो इसके बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा क्राउड निकलता है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकल लिएगा, नहीं तो आप मिस हो सकते हैं। तो आप ये जो स्लीपिंग ब्यूटी कैसल है उसके जितने पास हो सके उतने पास जाकर अपना जगह बनाइए ताकि आपको अच्छे से फायरवर्क्स देखने को मिले। तो फायरवर्क्स का वीडियो आप मेरे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं मेरे एक और भी नए वीडियो के साथ।